अब खानदानी छोरे कैसे हो? हर किसी कलाकार को एक ही नजर से देखते हैं। हम अपनी माँ बोली को ऊंचा उठाऊंगे। बनारिया में एपिसोड के अनुसार जो है मैं सबसे रईस हूँ, सारे में गरीब हूँ। मेरा रोल था एक दूसरी भूलियाण का, इनका दूसरा नाश करवाने का रोल आपका होगा। मैं जो दूसरी जो बाहर लाते हैं पैसे लाते हैं मंगाई ले आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका एक और नए ब्लॉग्स में। और आज हम गोहाना में आए हैं। गोहाना में आज हमें ये एक हमारे जो खानदानी चैनल है खानदानी छोरे, ये मिले हैं। डायरेक्ट शूटिंग करते हुए लाइव पकड़े हैं आज हमने। ये देखिए यहाँ पे इनकी टीम। भाई खानदानी छोरे, क्या हाल है भाई? राम राम जी भाई साहब। पहले तो ये बताओ खानदानी छोरे आप बोलो हो अपना आपने, आप खानदानी छोरे कैसे हो भाई? भाई साहब दुनिया अपने अपने खानदानी छोरे बोले, सबको बोले जा है। हम किसने माना कि खानदानी कौन है भाई? खानदानी छोरे तो वहाँ ये टीम के हिसाब से नाम टीम के हिसाब से है। क्या आपकी टीम में खूबी है? हमारी टीम में यह खूबी है मिलजुल का काम करा। हाँ मिलजुल का काम करो। हाँ जी भाई साहब, एक दूसरे ने छोटा बड्डा नहीं मानते भाई, किसी भी रोल में किसी के हिसाब से भी सभी सब बराबर हैं। है। के जो भी टीम है पूरी टीम बराबर है, कोई किसी का छोटा बड़ा रोल नहीं है। इसलिए इन्होंने खानदानी छोरे अपने चैनल का नाम रखा है, जो कि सभी जानते हैं क्योंकि एक परिवार का हिस्सा होते हैं खानदानी। वो होते हैं हमारे समाज में जो कि जैसे ही कोई घर पे है, किसी के घर पे चार आदमी बैठे रहे, हुक्का पानी चलता रहे, सबकी इज्जत हो, सबकी इज्जत जो आता है या जाता है सबकी इज्जत करे, उनको खानदानी बोलते हैं। क्या आप उस तरह के काम करते हो? हाँ जी भाई साहब, हम अपने चैनल पर जो भी आता हमारे चैनल पर ठीक है, शुरू से लेकर आज तक हर किसी कलाकार को एक ही नजर से देखते हैं। जी भाई, तो ये देख सकते हैं खानदानी छोरे, इसीलिए इन्होंने अपने चैनल का नाम रखा है। तो चैनल पे किस तरह की वीडियो बनाते हो आप? भाई साहब हम सभी पारिवारिक वीडियो बनाते हैं। पारिवारिक वीडियो पूरा कोई भी परिवार देख सकता है। तो आप भी अपने परिवार में बैठ के भी इनकी वीडियो देख सकते हैं। हरियाणवी जो सॉन्ग हरियाणवी कल्चर के हिसाब से ये वीडियो बनाते हैं। हम अपनी माँ बोली को ऊंचा उठाएंगे। हम अपनी बोली को जो हरियाणवी बोली है उसको ऊंचा उठाने के लिए ये भाई हैं जो हमारे संघर्ष करने लगे हैं। और तो अपना नाम पहले बता दिए सर। मेरा नाम भाई सुमित मलिक है। वैसे एपिसोड में मेरा नाम भाई पतंगा है। एपिसोड में पतंगा नाम है, पतंगे के नाम से ये फेमस हो चुके हैं। जी भाई, और सुमित मलिक नाम है भाई का। तो आपका क्या रोल है इसमें भाई साहब? मेरा उठपटांग रोल है, सारे उठपटांग रोल है। ये हमारे लाला जी हैं, इसके खिलाफ चालिया रूम में। लाला जी पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राम राम दोस्तों। राम राम जी। तो लाला जी आप भी बहुत अच्छे यहाँ पे सजे धजे हुए लग रहे हैं, देखिए माला वगैरह पहन के, टोपी वगैरह पहन के, एक्चुअली लाला ही लग रहे हैं बिल्कुल भी। तो भाई साहब इन सारे में एपिसोड के अनुसार जो है मैं सबसे रईस हूँ। एपिसोड के अनुसार रईस हो? सारे में गरीब हूँ। नहीं, दिल के रईस होने चाहिए लाला जी। तो जो दिल का रईस है वो रईस ही होता है। जैसे आपके चैनल का नाम भी खानदानी है, तो आपके चैनल का तो नाम वैसे ही खानदानी है, तो चैनल ही रईसों का हो गया आपका। रही बात चैनल की बराबरी की और खानदानी की, खानदानी की, तो सुमित भाई सिर्फ चैनल का मालिक है। ठीक है, जब कैमरे के सामने आ जाए हैं तो इस नाम गेर के कुट्टा भी। हाँ जरूरी नहीं है कि मतलब यो हमारा बॉस है। हाँ, जो भी धारावाहिक बनावांगे, जो भी एपिसोड बनाएगा उसमें कैमरे के सामने हम सारे बराबर हैं। कैमरे के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं, बराबर इज्जत है ना। जितने नया और पुराना कलाकार की इज्जत में फर्क पाओगा, सारे बराबर है। चाहे किसी का पहला एपिसोड है, चाहे किसी का 50वां एपिसोड, सब बराबर है। सबके लिए इज्जत बराबर रहेगी। मेहनत आना भी शायद सबके लिए बराबर है, लगभग जैसा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा लाला जी आपसे बात करके। और पहले तो आप अपना नाम भी बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह है जी, और मैं गांव जाक्षी का रहने वाला हूं। जाक्षी के रहने वाले हैं। तो परमवीर सिंह से जिसको मिलना है जाक्षी में जाके मिल सकते हैं। रिहास गोहाना भी कर रखी है, गोहाना मिल जाएंगे। गोहाना में आपको इस तरह के कॉमेडी सीन करते हुए मिल जाएंगे। मोस्टली संडे को ये अपने जो बनाते हैं, और आज संडे था इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और आज ये भागते हुए हमने पकड़े थे, इनकी गाड़ी खड़ी है और ये जाने लग रहे थे बस। और मैडम जी आप क्या कहोगे? नमस्ते जी, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है बबीता। बबीता जी, और कहाँ से? और मैं सुनारिया से। सुनारिया से। और मैंने अपना एक YouTube चैनल भी निकाल रखा है। एक YouTube चैनल और निकाल रखा है। क्या नाम आपके चैनल? बबीता जाटनी। बबीता जाटनी नाम है। तो बबीता जाटनी को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम तो ऐसे ही मिलते रहते हैं जितने यूट्यूबर है, यूट्यूबर फैमिली हमारी, और हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है जब भी हम किसी यूट्यूबर से मिलते हैं। नए कलाकार भाई साहब, ये हमारे नए कलाकार है। तो आपका क्या रोल था? मेरा रोल था एक दूसरी भूलियाण का, इनका दूसरी भूलियाण का यानी कि जो है नाश करवाने का रोल आपका होगा। ये दूसरी, लेकिन सर ये नाटक में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में कलाकार सभी अच्छे होते हैं। और सर आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है जी डीसी शर्मा, राम राम जी, राम राम जी, धन्यवाद जी। तो सर आपका क्या रोल रहेगा इस नाटक में? मेरा जी, मैं सुमित का पिताजी हूँ। सुमित के पिताजी हैं, पतंगे के पतंगे पतंगे के पिताजी हैं। बानिया गिर मेरी थोड़ी बहुत खटपट रहती है। बानिया गिर आपकी खटपट रहती है, वो इंटरेस्टिंग मोड में लेके आने के लिए खटपट रहती है। वैसे सब एक ही फैमिली के हैं। हाँ, एक ही फैमिली। तो आज जो आपने शूटिंग दिखाने के लिए करते हैं, आज जो शूटिंग की है, किस तरह के जो नाटक है, किस तरह की शूटिंग की है नाटक? शूटिंग जी हमने जो दूसरी जो बार तलाते हैं पैसों भी लाते हैं, लगाई ले आए हैं। हाँ, तो कराया था भाई, जो भाई ऐसा काम करो वो नहीं करें, वो नहीं करें। दूसरी के चक्कर में फंस के अपने घर का नाश ना करें। एक समाज में एक जो मैसेज दिया है कि समाज इस तरह के जो काम करते हैं वो उस सोच से थोड़ा ऊपर उठें और अपने जो भाईचारा भी बनाए रखें और इस तरह का काम ना करें। और एक मैडम और है हमारे साथ। मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना। विकास रानी है जी, सुनारिया से। सुनारिया से, ये दोनों सुनारिया से हो। विकास रानी नाम है आपका। तो आपका क्या रोल है? ऐसी लगे जानू दस लिख रहा है। तो आपका क्या रोल है इसमें? मैं काकी का रोल है। काकी का रोल है या काकी का बचाना? काकी, पतंगे की काकी है। तो ये पतंगे की काकी है वही, और नाटक में पतंगे की काकी है, वैसे एक ही फैमिली से है। एपिसोड में फर्स्ट टाइम ही भाग लिया है इन्होंने। तो आप सबका जो आपने फर्स्ट टाइम भाग लिया है, बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब फैमिली में। और मैडम का तो यूट्यूब चैनल है, इनको तो एक्सपीरियंस भी है। हाँ जी सुमित जी, क्या भाई साहब हमें इस एपिसोड के दौरान एक मैसेज छोड़ दिया है? मैसेज ये है भाई साहब कि उम्र को देखते नहीं आजकल, शादी कर लेते हैं दूसरी। शादी कर लेते हैं दूसरी। हाँ, सही कहीं बात से भी ले आते हैं, फिर वो सारा माल ताल जो भी है लेकर भाग जाए। सही बात है। तो ये गलत है, अपने बच्चे की तरफ देखो, ये काम नहीं करना बच्चों की तरफ देखो। जो भी है, जैसे कि पहले किसी ने शादी की है, पहली पत्नी की डेथ हो जाती है या किसी कारण से वो फिर अकेले रह जाते हैं, बर्बाद हो जाते और उसमें फिर वो दूसरी शादी करने की सोचते हैं, वो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। नई नई शादी करते हैं, बाहर से लेके आ जाते हैं, कोई पैसों में भी लेके आ जाता है, वो एक दो दिन में उनके जो सारे पैसे हैं गहने हैं उनको लेके भाग जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे और एक जिम्मेवार नागरिक अपने समाज के लिए जरूर बने। तो सर आपको कैसा लगा आज हमारे चैनल पे आगे? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप तो भाग रहे थे, हमने तो भागते हुए पकड़ा है भाई। और अच्छा तो हमने हमें लगा है क्योंकि आप यहाँ पे मिल गए। और देखो सभी इनका YouTube फैमिली है और बहुत ही अच्छा नेचर है भाई का, सुमित का और पूरी फैमिली का, लाला का भाई साहब। और YouTube पे देखने में और लाइव देखने में अलग ही मजा। इस नाटक को जरूर देखना। और ये कब तक आ जाएगा भाई साहब? ये एक हफ्ते के लगभग आएगा। एक हफ्ते के लगभग आ जाएगा। एक बात और कहना चाहूँ सभी भाइयों से हाथ जोड़ के, जो नवीन भाई का इसका चैनल है ना भाई का, नवीन मलिक विलोंगर भाई, इस चैनल ने भी सारे सब्सक्राइब कर लियो और शेयरिंग थोड़ी दबा के करा रहो। थैंक यू भाई सुमित, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ी और बढ़ाओ भाई, और हमारी भी बढ़ेगी और आपकी भी बढ़ेगी। जो खानदानी एक चैनल है, पूरा नाम क्या चैनल? खानदानी छोरे जी, खानदानी छोरे। खानदानी छोरे को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको नाटक सीरियल देते रहेंगे, वेब सीरीज देते रहेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा इनके नाटक देखने में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सबको राम राम।